भारत में आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह पर आपको वहां की यूनिक थाली मिलेगी। इनफैक्ट हर घर की अपनी यूनिक थाली होती है। आप जहां जाते हैं वहां की थाली में उस जगह के रहने वालों का चेहरा नजर आता है, उनका खाना और तहजीब झलकती है। पर वो क्या खास बात है जो उस थाली को उस जगह से जोड़ती है? This is believed to be originated from the Portuguese influence. हमारे खाने में सोलकड़ी लास्ट में पी जाती है। थाली एक अलग और एक अमेजिंग दुनिया है। This sweet is called guroli, and जब जमाई first time हमारे घर आते हैं तब ये करते हैं। आइए इस दुनिया को explore करते हैं on उत्सव थालीज ऑफ इंडिया। उत्सव थालीज ऑफ इंडिया की जर्नी मैंने शुरू की थी राजस्थान से। आप तो बिल्कुल कृष्ण भक्त हैं। इसके अंदर ना अदरक है ना लहसुन है। दिस इज कंप्लीटली ऑथेंटिक राजस्थानी। फिर गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। हर जगह मुझे मिले वेलकमिंग फैमिलीज, कम्युनिटीज और फूडी फैंस। Most of our dishes, the non-vegetarian, is with mutton. हर एक ने मुझे अपनी कम्युनिटी की यूनिक थाली प्रेजेंट की, with great love and respect, I salute them. I must say, I have put on some weight and made lots of friends over food. Why is it called saas ni machhi? You know, people started calling sauce like saas saas, and then it became like so, and then it became saas. अब मैं रुक करूँगा south of India की तरफ। और मेरी शुरुआत होगी कर्नाटका से। दिस प्रोग्रेशन विल सी अ चेंज इन लैंडस्केप, कल्चरल एट्रीब्यूट्स एंड लैंग्वेज। कर्नाटका, द लैंड ऑफ टेंपल्स, जो जाना जाता है 13th सेंचुरी कृष्णा टेंपल्स और अष्टम मठ के लिए। एंड वी हेड स्ट्रेट टू उडुपी, जो कि इंडिया एंड वर्ल्ड ओवर इज सिनोनिमस फॉर इट्स गर्मा गर्म हेल्दी एंड फ्रेश साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। ये शहर पूरे वर्ल्ड में अपने हजार साल पुराने कृष्ण मठ और लेजेंडरी उडुपी क्विजीन के लिए जाना जाता है। उडुपी फूड सबसे पहले भगवान कृष्ण को उडुपी के इन मंदिरों में ही ऑफर किया गया था। कृष्ण का ये प्रसाद आज भी यहां दूर दूर से आए भक्तों को भोग के रूप में खिलाया जाता है। कुणाल अपनी जर्नी का शुभ आरंभ करेंगे मठ की थाली से। द फूड देयर वॉज फिंगर लिकिंग गुड। इट वॉज अमेजिंग, सिंपल बट होलिस्टिक फूड। हजारों लोगों को रोज दी जाने वाली इन भोग की थालियों की प्रेपरेशंस भी मेगा स्केल पर होती हैं। उडुपी भोग चखने के बाद नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर द फर्स्ट उडुपी थाली, जिसका स्वाद लेने के लिए कुणाल मिलेंगे उडुपी रेस्टोरेंट ओनर कृष्णा मूर्ति आचार्य जी से, जो डेफिनेटली हमसे उडुपी फूड की हिस्ट्री और कल्चर की डिटेल्स भी शेयर करेंगे। हमारी कंट्री के अंदर ऐसी कई जगहें हैं, कई कम्युनिटीज हैं जहां पर बनाना लीफ में ट्रेडिशनली खाना खाया जाता है। सो इट जस्ट मेक्स मी वंडर कि क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर ट्रेडिशन है या नॉर्म है बनाना लीफ को लेकर के। बनाना लीफ रखने का टाइम में सीधा नहीं रखना चाहता है, ये शुभ कार्य के लिए ऐसे ही रखता है। और अगर उल्टा कर दो तो? उल्टा कर दो तो पितामह का पितामह सब उसका कार्य करता है। एक दिन उसका दिन के लिए उसका दिन वो पिंड प्रदान करता है, वो दिन ऐसा उल्टा लगा कर सकता है। ओ, विपरीत करते हैं हम, मतलब वो जब किसी का श्राद्ध है या फिर बरसी है उस टाइम पे करते हैं, अदर टाइम्स शुभ मुहूर्त पर हमेशा इसी तरीके से इसी तरह। सबसे पहले ऑन टू माई लेफ्ट हैंड साइड नमक रखा गया है। ये इधर सब साउथ के अंदर उडुपी डिस्ट्रिक्ट और मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट में लिफ्ट में खाना खाने का है तो पहले नमक डालने का जरूरी है। नमक डाले के नहीं तो उधर का लोग नहीं खाता है। तो मतलब जितना नमक डाला है वो सारा खत्म करना है या ये नहीं, खत्म करने का जरूरत नहीं है।
So, कोई एक सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में हमें ये थाली खानी है? क्या ऐसा वाला चटनी से शुरू करें? चटनी इज यम और बहुत फाइबरस है, एक अच्छा टेक्सचर है, हल्का सा तीखा नमकीन। खटास के लिए क्या डाला आपने? इमली। लवली। तो ये थंबली है जिसके अंदर चावल के साथ जिंजर डाला है, जिंजर है, क्यूकम्बर भी इसमें। हाँ, वो मिक्स किया। अच्छा, तो ये रायता की तरह? रायता की तरह नहीं, वो रायता प्लेन है, इसपे अलग है ना। ये सब बारिश का मौसम में ये करते है। सो थंबली यानी कि ये जो योगर्ट प्रिपरेशन है उसके साथ चावल। जब हम हाथ से खाना खाते हैं, इस देयर अ पर्टिकुलर वे जिस तरीके से खाना चाहिए? हमारा इसमें लगाने के नहीं, हम मॉर्निंग क्या सुबह उठकर क्या ऐसे ऐसे कर ऐसे देखता है। क्यों देखता है? गॉड का ये प्लेस है, इसलिए इधर नहीं रखते है, वो सिर्फ उंगलियों से खाता है और थंब से पुश करना। हाँ। तो ये जो अचार है दिखने में बड़ा जैक फ्रूट का पापड़ है, जैक फ्रूट में बना है। जैक फ्रूट का पापड़, ये पहली बार है कि मैंने जैक फ्रूट का पापड़ खा रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं खाया। मजे की बात है इसके अंदर नमक शायद बड़ा ही हल्का सा है। हल्का डालते हैं। Very little. It's just the sweetness of जो जैक फ्रूट है वो इसके अंदर आ रहे, वो भी सटल है। जी क्या? वो पत्रड़े बोलता है इधर का। ये पूरे महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, अरबी के पत्ते जिनपे बेसन का लेप लगा के रोल करके स्टीम करते हैं। आप उसे स्टीम भी खा सकते हैं, उसको फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही करते हैं। सेहत के लिए कुछ गर्मी है इसलिए बारिश के मौसम में ज्यादा होता है। अब मैं देख रहा हूँ एक पिक्यूलर चिली पाउडर है इसके अंदर, जैसे मोटी दरदरी कुटी हुई चिली। कोई स्पेसिफिक चिली भी इस्तेमाल करते हैं आप अपनी क्यूजीन में? और आप वो कश्मीरी मिर्ची बोलते हैं ना इसे, इधर बैगी मिर्ची। तो मतलब ये तीखी नहीं है, दिखने में गुस्से वाली लाल है। ये इधर का स्पेशल है। ठीक है, वो पाइनएप्पल में बनाते हैं और अंबड़े। अंबड़े बोला है ना, अंबड़े और पाइनएप्पल दोनों। हाँ, वो दोनों मिक्स है। ओह लवली। इसका नाम क्या है? मैंने सबसे पहली बार पाइनएप्पल को सब्जी की तरह स्पाइसी जब खाया था वो मेनस्काई था। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिशेस दैट साउथ ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली कर्नाटका हैज गिवन। जो चार फ्लेवर होते हैं, स्वीट, स्पाइसी, सार एंड सॉल्टी, सब एक साथ है। इट्स अ रायट ऑफ फ्लेवर्स। क्या ये? गुल्ला। बैंगन, ग्रीन बैंगन। ये छोटा वाला है या पतला लंबा जो होता है? छोटा छोटा। इधर का स्पेशल बैंगन है, मट्टू गोला बोलते हैं उसको। ये जो ग्रीन बैंगन है, ये पर्टिकुलर वैरायटी के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा बाइट और बढ़िया टेस्ट है। इट्स अ वेरी डिफरेंट बैंगन फ्रॉम द रेगुलर बैंगन एंड ये सिर्फ उडुपी में मिलता है। उडुपी में सिर्फ मट्टू में मिलता है। ये क्या? कुकुम्बर, मैंगलोर कुकुम्बर। वो ओब्लॉन्ग वाला जो इसके अंदर ऑरेंजिश येलोइश यू नो पट्टी होती है और हल्की ग्रीन, वो इधर बहुत मिलता है। ओह वेरी टेस्टी। ये लास्ट में क्यों सर्व किया आपने जो ये मैंगलोर कुकुम्बर है? क्योंकि वो इधर सांभर वगैरह खाते हैं ना, वो डाइजेशन के लिए अच्छा है। उसके साथ वो भी बटर मिल्क। हां एक्स्ट्रा ठंडा करना। इसका रंग थोड़ा सा ग्रीनिश क्यों है? धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, उसी को ग्राइंड किया है साथ में और जिंजर भी है। जिंजर भी है। सो मतलब एंड ऑफ द मील ये सब बनाते हैं, योगर्ट और बटर मिल्क और उसके बाद आता है मीठा। परफेक्ट। और ये पायसम किस चीज से बना है? वीट। और ये मिल्क में बना? कोकोनट मिल्क है। कोकोनट मिल्क, ये सब कोकोनट में बनाते हैं। बिल्कुल खीर की तरह लग रहा है। मैंने कभी वीट के साथ पायसम नहीं खाया। ये गेहूं को भिगोया था, उसको सॉफ्ट किया था, वो उसको बॉइल करके। और अब आप ये क्या कर रहे हैं? नमक में पानी डाल रहे हैं। पानी डाल रहे हैं हम लोग। सब अभी खाना बनाया है, सबको नमक यूज करते हैं। हाँ, इसलिए क्या है कि वो लोग वो सोचता है नमक सबको मैं चाहिए, मेरे को कोई भी नहीं यूज किया। मैं उसको कुछ भी तकलीफ नहीं होने के चाहिए इसलिए पानी डालता है इसको। पानी में एक हो जाता है, पानी में वो एक हो जाता है। नमक को हमें खाना नहीं है, बस उससे वहां रहना है। इट्स अ रिमाइंडर दैट मेरे बिना बाकी का खाना बेकार है। सॉल्ट इज एक्चुअली वेरी पावरफुल इंग्रेडिएंट और इसका मतलब ये भी हुआ कि मेरा जो खाना है वो अब खत्म। कई बार ऐसा हुआ है कि थाली खाने के बाद मुझे ऐसा लगता है बस कमरा मिल जाए मैं सो जाऊं, लेकिन ये खाना खाने के बाद आई एम एनर्जाइज्ड। और जो बैंगन की डिश थी दैट वाज सुपर।
यू गाइस हैव टू टीच मी। उडुपी थाली का हाई पॉइंट है मट्टू विलेज का लोकली ग्रोन ग्रीन ब्रिंजल, जो खुद कुणाल ने भी पहली बार देखा है। व्हाट अ फाइंड। और इसलिए इस ब्रिंजल से बनी गुल्ला हुल्ली की रेसिपी वो जरूर सीखना चाहते हैं। ये जो मट्टू गुल्ला है, ये मट्टू गुल्ला एक बहुत ही यूनिक बैंगन है और इसकी सब्जी भी बन सकती है, इसका सांबर भी बन सकता है, जैसे हम कहते हैं गुल्ला हुली बोलते हैं। गुल्ला हुली। पहले ये तोड़ दाल है, पानी डालकर कुकर में रखने के बाद में ऐसा होता है। नेक्स्ट स्टेप उसका मसाला, सांबर का मसाला बनाने का भी कोकोनट डाल है। ओके। एक आधा चम्मच मेथी डालने का, चना दाल डालने का, ऐसा थोड़ा सा स्मेल आने का, स्मेल आने के बाद में उड़द दाल डालने का। उड़द दाल। लुक एट ऑल दीज कलर्स। ये बैडगी मिर्ची बोलते हैं। बैडगी मिर्ची, जिसका सुनहरा लाल रंग होता है लेकिन थोड़ी सी कम तीखी होती है, बहुत ज्यादा फायरी नहीं होती। इतना डालने का बस होता है। व्हाट्स नेक्स्ट? बाद में करी पत्ता डालने का। बस कड़ी पत्ते के बाद हम इसमें डाल रहे हैं धनिया। धनिया डाल रहे हैं एक चम्मच और आधा चम्मच बस डाल। सो ये जो हम बना रहे हैं ये सांबर का मसाला है। ये वो मसाला नहीं है जो आप बाजार से खरीदते हैं या फिर आपके पास पाउडर्ड स्पाइसेस होते हैं वो मिक्स किया। अभी थोड़ा सा इंग डाल देंगे। ठीक है, इंग थोड़ा बस, एक कलर आना चाहिए चिलीज का, लाइट लाइट ब्राउनिश होता है। अब इस मसाले को आप निकालेंगे और ये मसाला सारा हम पीसेंगे। पीसकर सांबर पाउडर बनाने के लिए ये तैयार हो जाएगा। ये तैयार हो जाएगा। आई कैन सी ऑलरेडी कि इसके अंदर बिकॉज कोकोनट ऑयल हमने डाला था थोड़ा सा मॉइस्ट है। अब नेक्स्ट गुल्ला पहले काट करने का। इसे पानी में डाल, पानी में डालने का, पानी डालने का इसको, पानी थोड़ा थोड़ा बताइए। अब ये बॉइल डाल उसको डालने का। What's next? Okay. So, ये मट्टू गुला सांबर is special, simply because इसके अंदर ये मट्टू गुला डाला है। और ये उडुपी के अंदर अलग अलग वैरायटीज ऑफ सांबर है, सिर्फ मट्टू गुला सांबर है? अलग अलग वैरायटी का, अलग अलग का, सब बहुत सांबर है। मट्टू गुला बोला तो सब लोग शुभ काम को सब सब जरूर है तो मट्टू गुला का सांबर चाहिए इधर। बाद में गुड़ डालेंगे। सो ये जो पर्टिकुलर सांबर बना रहे हैं ये खट्टा मीठा रहेगा। इसका सांबर पाउडर ना, मसाला पाउडर इसको डालना चाहिए। नमक, नमक थोड़ा सा, कोतमरी धनिया। सो क्या ये सांबर रेडी? रेडी हुआ, बस इसको एक तड़का देने के। कोकोनट ऑयल अगेन, ये राई डालने का थोड़ा, बैड की चिल्ली डालने का, गुड अमाउंट ऑफ करी लीव्स, इसे डाल। परफेक्ट। बट थैंक यू सो वेरी मच। लाइक यू सेड के हर इम्पॉर्टेंट ओकेजन पर, स्पेशली जब कृष्णा जी को पूजा होती है, स्पेशल ओकेजन्स पर मट्टू गुला का हुली बनता है, यानी कि इस बैंगन का सांबर बनता है, जो है ये डिश। लेकिन आज कुछ खास स्पेशल त्यौहार नहीं था, फिर भी आपने मेरे लिए बनाया, विच मेक्स मी फील वेरी वेरी स्पेशल। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।